बी चेकिंग गोइंग लाइव. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग मैम. हो गया. ओके, हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल? आई एम सॉरी फॉर द लेट थिंग, कैन नॉट हेल्प, आई हैव टू डू द इंटायर सेटअप एंड एवरी डे दिस सम अदर प्रॉब्लम. टुडे द प्रॉब्लम वॉज एंड यूजुअली वेर आई सिट एंड डू द लाइव द नेट वर्क्स रियली नाइस, नथिंग वॉज चेंज, बट टुडे इट वॉज नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू द नेट. I had to change the position entirely, carry all the laptops, all the connections, everything with me. So that's why this happened. Okay, fine. So I'm audible. So let's start with the analysis. At 6 o'clock every day, I go live here. Around 6 p.m. I've started saying it because this live situation is really difficult. ओके, सो नाउ ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारा सेडिशन का लॉ है, हमें अब इसका सेडिशन का लॉ जो है ऐसी पुट्स कलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड. कलोनियल का मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है. क्या है ये? ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ, ठीक है ना. और सेडिशन लॉ जो हमारा है वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 124 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. तो ये भी आपको पता होना चाहिए सबको, इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंडर जो सेक्शन था उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है. क्यों लगा दिया गया स्टे? बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. ठीक है, क्या किया जा रहा है? मिसयूज़. ये नोट करने वाली बातें हैं. चलो, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सस्पेंडिंग पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124A सेडिशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड बाय अलाउिंग द यूनियन ऑफ इंडिया टू रिकन्सिडर द ब्रिटिश एरा लॉ. तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं. सेक्शन 124A के अंदर सेडिशन डिफाइंड है आईपीसी के अंदर, ठीक है ना. और इसमें क्या कह दिया गया है अब कि जितने भी क्रिमिनल ट्रायल सस्पेंडेड पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स, जितने भी ट्रायल्स चल रहे थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठीक है ना. क्रिमिनल ट्रायल्स मतलब जिनके अगेंस्ट इस ऑफेंस के अंदर जो अंदर गए थे जेल में, ठीक है ना, वो जो है अब इस पर स्टॉप लग जाएगा. ऑल पेंडिंग ट्रायल्स अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी बी केप्ट इन अबेयंस. अ 3-judge बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना or ordered. It was argued in court that the nearly 13,000 people were already in jail under sedition provision. Now this is the second thing which you need to know. First ye tha, hame kya pata hona chahiye ki 13,000 people are in jail under this law. ठीक है ना. नाउ हाउएवर एडजुडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस ऑफ लॉ इफ एनी वुड प्रोसीड इफ द कोर्ट कंसर्न्ड वाज ऑफ द ओपिनियन दैट नो प्रेजुडाइस वुड बी कॉज टू द अक्यूज. ना अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने. अब देखिए, जिसके अगेंस्ट केस होता है उसके अगेंस्ट केस सिर्फ एक सेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे सेक्शंस लगाए जाते हैं. तो वो कहते हैं कि अगर आपको दूसरे सेक्शंस के अंडर वो केस कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है. द कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट होप्स एंड एक्सपेक्ट्स द सेंटर एंड स्टेट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग FIRs, continuing investigations or take coercive measures under section 124A while it is under reconsideration. तो उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी FIR जो है वो फाइल नहीं होगी, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो अभी स्टॉप कर दी जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इस लॉ को क्या करेगी, रिकंसिडर. क्या करेगी? रिकंसिडर, ठीक है. चलो आगे चलते हैं, अभी हम ये सारा पढ़ेंगे. नाउ एडिंग अ फेल सेफ टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट एनी फ्यूचर मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A व्हाइल इट वाज अंडर द यूनियन माइक्रोस्कोप द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द पर्संस अक्यूज्ड इन फ्रेश केसेस वर फ्री टू अप्रोच कोर्ट्स, ठीक है ना. जो फ्रेश केसेस में कि अगर आज, ठीक है, कल इस पे स्टे लगा, अगर आज कोई केस फाइल होता है, फ्रेश केस फाइल होता है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. विच वुड कंसिडर द केसेस टेकिंग इन टू अकाउंट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द क्लियर स्टैंड ऑफ द यूनियन दैट द प्रोविजन वॉज अब्यूज एंड नीडेड री एग्जामिनेशन, ठीक है ना. तो कौन कंसिडर करेगा? कोर्ट कंसिडर करेगा कि क्या सही है क्या नहीं है. द कोर्ट मीन वाइल गेव द यूनियन ऑफ इंडिया लिबर्टी टू इशू अ डायरेक्टिव टू स्टेट्स एंड अथॉरिटी टू प्रिवेंट द कंटिन्यूड मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ. कि एक डायरेक्टिव इशू कर दो कि अभी जो है इस पर स्टे लग गया है और कोई भी इसके अंडर FIR या कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है ना. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. ना अब यहाँ पे ये वाली चीज़ हुई कैसे, इसकी बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे कि एक लॉ जो सेक्शन 124A है, क्या बोला जाता था इसमें, अगर कोई इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को, एक मिस एक ऑर्डर जो एक पब्लिक ऑर्डर जो है उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, इंसाइट करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोला जाता था सेडिशन, ठीक है ना. अब यहाँ पे दिशा रवि का केस आया पहले, जिसको बहुत पॉपुलर टूलकिट केस भी कहा जाता है,
तो टूल किट केस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए टूल किट का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट, टूल किट का मतलब क्या होता है, द टूल किट इज अ डॉक्यूमेंट की टू डिजिटल एरा प्रोटेस्ट एंड इज इक्वलेंट टू पेन फ्लैट्स। पेन फ्लैट्स होते थे न्यूज़पेपर में, अभी भी कभी कभी आते हैं, बट पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा पैम्फलेट्स होते थे येलो कलर का, पिंक कलर का, जिसमें एडवर्टीजमेंट्स दी जाती थी या लोगों को बताया जाता है कि ये करना है, तो वो होते हैं पैम्फलेट्स। और वैसा ही टूल किट है, बट ये डिजिटल एरा का पैम्फलेट है, फ्लायर है, ठीक है ना, दैट आर यूज बाय प्रोटेस्टर्स ऑन द स्ट्रीट। इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट एजुकेट्स एंड एम्पलीफाइज द कॉज ऑफ प्रोटेस्ट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ रोड मैप ऑन हाउ टू टेक द प्रोटेस्ट फॉरवर्ड, अंडरस्कोरिंग वट नीड्स टू बी डन वेन एंड हाउ। तो ये क्या है कि बताता है कि प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए, एजुकेट करता है ताकि और लोग ज्वाइन करें, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको क्या बताते हैं कि क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है ना। नाउ डेज पीपल हैव स्टार्ट रजिस्टरिंग, ठीक है। तो दिशा रवि टूल किट केस क्या था, ऑन 4th February 2021 स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग एक्सटेंडेड हर सपोर्ट टू द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया एंड शेयर द टूल किट वाया हर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। However, shortly after tweeting the toolkit, she deleted and shared an updated version of the document. ठीक है ना, किसने शेयर किया था, ग्रेटा थनबर्ग। What does the toolkit mentions? The toolkit shared by Greta Thunberg guides people on how to stand in solidarity with the ongoing farmers' protest in India. However, the original toolkit called for a digital strike on or before 26 January 2021, Republic Day, and underscored carrying out protests outside Indian embassy as one of the actions to the support. ठीक है ना, इट ऑल्सो हाईलाइटेड अ लिस्ट ऑफ प्रीवियस एक्शंस दैट वर टेकन टू एम्पलीफाई द फार्मर्स वॉइसेस ऑनलाइन। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो मेंशन वेरियस हैशटैग्स फॉर ट्विटर स्टॉर्म सच एज आस्क इंडिया वाई। तो ये सब कुछ था, और उसके अंदर प्रोटेस्ट का मेंशन किया गया था। 4th February 2021 के अंदर दिल्ली पुलिस ने FIR कर दी, जिन्होंने ये टूल किट बनाई थी, जो फर्स्ट वाली टूल किट थी, ठीक है ना। अरेस्टेड दिशा रवि, दिस गर्ल वॉज अरेस्टेड, एंड येस, ठीक है ना, एडिटिंग द टूल किट विच एलिजली इंस्टिगेटेड द वॉयलेंस ड्यूरिंग 26 जनवरी। तो वॉयलेंस हुआ था 26 जनवरी 2021 में, तो उस केस के अंदर शी वॉज अरेस्टेड, राइट। तो वहाँ से ये सेडिशन के उसमें अरेस्ट हुई थी, एंड वहाँ से मेजरली जो स्टोरी थी वो स्टार्ट हुई 2021 में। उसके बाद कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ करते हुए कुछ पोस्ट किया था व्हाट्सएप स्टेटस पर, उनको अरेस्ट करा गया था। JNU स्टूडेंट लीडर एलिजली मेड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एट जामिया इस्लामिया, उनको अरेस्ट किया गया था। NTCAA जब हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सब लोग सेडिशन वाले लॉ के अंदर ही अरेस्ट हुए थे। तो इनको पकड़ लिया, मतलब इनको तभी ये बात स्टार्ट हुई कि क्या ये सही है, क्या ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर तो नहीं है बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तब बात हुई, तो रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो अपनी लक्ष्मण रेखा, मतलब एक जो लाइन है कि उनके पास पावर नहीं है टू मेक लॉज, ठीक है ना, तो वो क्रॉस कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो मिनिस्टर है वो कौन है। लॉ एसी इस्लाम्स गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ पार्डन पावर, पार्डन मतलब माफ़ करने की पावर। तो इनको सबसे पहले हम बताना चाहिए कि ही इज़ द वन हु असैसिनेटेड, ही इज़ वन ऑफ द पीपल हु असैसिनेटेड राजीव गांधी, ठीक है ना, अ क्लेम बाय द सेंटर। अब क्या हुआ, इनकी स्टोरी क्या है, तमिलनाडु गवर्नर को, ठीक है ना, गवर्नर के पास पावर होती है टू पार्डन, तो इन्होंने गवर्नर को एप्लीकेशन दी कि जो मेरी डेथ पेनल्टी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए डेथ सेंटेंस में, सॉरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है ना। अब गवर्नर जो थे तमिलनाडु के, उन्होंने ये जो एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड कर दी प्रेसिडेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये कहाँ का लॉ है कि जो गवर्नर के पास कहाँ पावर है कि वो एप्लीकेशन जो ये वाली है वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दे, कहाँ का लॉ है ये पूछ रहा है वो। तो पढ़ लेते हैं, अ क्लेम बाय द सेंटर दैट द प्रेसिडेंट एंड नॉट द तमिलनाडु गवर्नर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन द प्ली फॉर पार्डन ऑफ द राजीव गांधी असैसिनेशन कॉन्विक्ट AG पर्यावरण ड्रू फ्लैग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। फ्लैग मतलब, फ्लैग का मतलब क्या होता है, फ्लैग का मतलब क्रिटिसिज्म, फ्लैग का मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, फ्लैग क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। नाउ तो उसके बाद इट रिजर्व द केस फॉर जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे बिफोर इट रिजर्व द केस फॉर जजमेंट। तो अब वो जजमेंट देंगे। आर्टिकल 161 पावर देता है गवर्नर को पार्डन की, ठीक है। तो सो अकॉर्डिंग टू यू, तो कोर्ट के जजेस ने बोला, सो अकॉर्डिंग टू यू द पावर टू पार्डन ग्रांट पार्डन इज एक्सक्लूसिवली दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, वेल इन दैट केस पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द नेशन अक्रॉस स्टेट्स आर नल एंड वॉइड। तो वो ये कहते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि क्या गवर्नर के पास पावर है कि जब उसको मर्सी पिटिशन आया वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पे आंसर देगी,
ठीक है, कल तक मिल जाएगा हमें आंसर और कल की न्यूज़पेपर। ओडिशा एपी ऑन अलर्ट ओवर साइक्लोन, आसानी नाम है साइक्लोन का, ये आपको पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश एंटर करेगा थोड़ा सा, बट फिर चला जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को ये बेसिकली इन अलर्ट है वहाँ पे, और भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे अलर्ट है। कल एक हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आनी थी वो थी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, और उसकी बात हो रही थी मैरिटल रेप की। तो मैरिटल रेप क्या होता है, किसको पता है यहाँ पे मैरिटल रेप क्या होता है? मैरिटल रेप, देखिए रेप मतलब बिना कंसेंट के अगर कोई सेक्चुअल रिलेशन कर रहा है लड़की के साथ, तो दैट इज़ रेप, मोटा मोटा अगर हम बात करें, है या नहीं, है ना, दैट इज़ रेप। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैरिटल रेप क्या, कि क्या हस्बैंड अगर विदाउट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ उसके साथ सेक्स करता है तो वुड इट बी टर्म्ड एज मैरिटल रेप, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर स्प्लिट जजमेंट आई है। स्प्लिट जजमेंट मतलब एक जज ने कुछ कहा, दूसरे ने क्या कहा, वो देख लेते हैं हम। टू जजेस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेनेसडे गेव अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग रेप विद इन मैरिज लीविंग द लॉ अनचेंज्ड। ठीक है, नाउ जस्टिस राजीव शेखधर, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से जज ने क्या जजमेंट दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस राजीव शेखधर हु हेडेड द बेंच स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशन द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो बेसिकली क्या है कि मैरिटल रेप ऑफेंस क्यों नहीं बन सकता, क्या रोकता क्या है उनको मैरिटल रेप ऑफेंस बनाने से, कि जो जो रेप की डेफिनेशन है, रेप की डेफिनेशन है ना, जो उसका एक एक्सेप्शन है, वो सब कुछ बोल देता है जो रेप की डेफिनेशन है। जगह है, जगह ही नहीं आज, ये रही, देखो जो रेप की डेफिनेशन है, एक मिनट रुको, मतलब एक मिनट है, हाँ यहाँ पे समझते हैं। ये देखो जो रेप की डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो रेप की डेफिनेशन है हमारी, वो पूरी डेफिनेशन जब हो जाती है उसके बाद एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अच्छा ठीक है, अगर कंसेंट के बिना, मतलब दिए हुए हैं कि कब रेप माना जाएगा, कि अगर बिना कंसेंट के होता है, कौन कौन से एक्ट्स जो हैं, सेक्सुअल एक्ट्स जो हैं, वो दे विल बी कंसिडर रेप, दे इक्वेट टू रेप, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेप्शन दे दी जाती है कि अगर हस्बैंड है और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ विदाउट कंसेंट सेक्स कर रहा है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और यही मैरिटल रेप को ऑफेंस बनने से रोक रहा है, यही आड़े आ रहा है कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कहा, राजीव शेखधर जो थे हमारे अभी हैं मतलब जज, उन्होंने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो एक्सेप्शन है सेक्शन 375 जो रेप को डिफाइन करता है उसकी जो एक्सेप्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। विच सेज द सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 एंड अबव, ये बोलता है वो कि अगर 18 एंड अबव है वाइफ तो वो अगर उसके साथ सेक्स कर रहा है एक हस्बैंड तो दैट इज़ नॉट रेप इवन इफ इट इज़ विदाउट हर कंसेंट। तो ये हम पूरा का पूरा नोट कर लेंगे कौन से जज ने ये जजमेंट दिए, ये पता होना चाहिए। हाउएवर सी हरिशंकर रिजेक्टेड द प्ली टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैरिटल रेप को ऑफेंस नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना। द लॉ हैज़ टू बी कैरिड आउट बाय द लेजिस्लेचर सिंस द इशू रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ सोशल कल्चर एंड लीगल आस्पेक्ट्स। तो क्यों बोला उन्होंने, वो कहते हैं कि लेजिस्लेचर को देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लेजिस्लेचर का टू मेक लॉस, किसका काम है लॉ बनाना, टू मेक लॉस किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉस, तो हमारा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सोशल कल्चर लीगल आस्पेक्ट्स देखने हैं तो ये तो बिल्कुल ही लेजिस्लेचर का काम बनता है कि वो देखे, ठीक है ना। अब द राइट टू विदड्रॉ कंसेंट एट एनी गिवन पॉइंट इन द टाइम फॉर्म्स द कोर ऑफ द वुमेन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विच इनकम्पासेस हर राइट टू प्रोटेक्ट हर ठीक है ना विच हर राइट टू प्रोटेक्ट हर फिजिकल एंड मेंटल बींग जस्टिस शकदर सेड कॉलिंग फॉर अ चेंज। तो जिन्होंने बोला चेंज चाहिए तो उन्होंने क्या बोला कि कंसेंट की उनकी राइट है, उनकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्रोटेक्ट हर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है, जिन्होंने साथ कहा कि हाँ मैरिटल रेप का ऑफेंस बना देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका हम आगे भी पढ़ेंगे बिकॉज आगे बहुत कुछ बताया हुआ है इसके बारे में। तो हमारा ये फर्स्ट पेज हो गया है आज, चलो अब हम आगे चलते हैं, कुछ रह तो नहीं गया हमारा, नहीं, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। लिटरेरी अवार्ड फॉर ममता ड्रॉज प्रोटेस्ट फ्रॉम राइटर्स, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी थी, कौन सी थी, 161st, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एनिवर्सरी थी, 156th एनिवर्सरी थी किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की, क्लियर है इस बात पे, कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा।
ठीक है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंसिंग इट वॉज इंस्टीट्यूटिंग अ न्यू अवार्ड. तो इस चीज़ पर, इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने बोला, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक नया अवार्ड लेकर आ रहे हैं. किसके लिए? राइटर्स, क्योंकि वो एक राइटर थे. ठीक है, टू बी गिवन वंस इन थ्री ईयर्स. कितने बार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब दिया जाएगा. वन इन थ्री ईयर्स, एक बार दिया जाएगा थ्री ईयर्स के अंदर. ठीक है ना, टू ऑनर दोज इनरिचिंग बंगाली लिटरेचर एंड दैट. और ठीक है ना, किसको दिया जाएगा, यहाँ पे लिख लो, टू ऑनर दोज इनरिचिंग. किस चीज़ को इनरिच कर रहे हैं? बंगाली कल्चर. ठीक है ना. नाउ, और कहा कि ममता बनर्जी एज द ऑथर ऑफ पोएट्री कलेक्शन कविता बितान, कविता बितान वुड बी द इट्स फर्स्ट रेसिपिटेंट. तो सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया? ममता बनर्जी को. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पोएट्री कलेक्शन लिखा है, उसका नाम क्या है? कविता बितान. क्या नाम है? कविता बितान. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना, कुछ और नहीं तो कोई ये पूछता रह सकता है कविता बितान किसने लिखी है. ठीक है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. तो एक ऑदर ने तो कहा भी, रशीद बोनोपाध्याय ने तो कह दिया कि मैं अपना ये आनंदा शिकार रे मेमोरियल अवार्ड वापस दे रही हूँ, आई ऑलवेज होल्ड द पोएम्स ऑफ. तो ये सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो एक राइटर को देना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर है इसलिए उनको दे दिया, ये सही नहीं है. ठीक है ना, तो हमें बताना चाहिए कि एक अवार्ड बनाया गया था किसके नाम पे? रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर. एंड अल्टीमेटली उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है. कैलकटा हाईकोर्ट डायरेक्टिव टू जूट कमिश्नर ऑफ रॉ ऑन रॉ जूट. तो रॉ जूट के हमने और भी एक एडिटोरियल पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ अगर आपने वो नहीं पढ़ा था. उसके अंदर क्या था कि जो जूट का प्राइस है ना, जो जूट बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर नोटिफिकेशन आई थी ऑन सेप्टेम्बर 30th, 2021, इन विच द प्राइस ऑफ रॉ जूट वॉज कैप्ड एट ₹6,500 पर क्विंटल. जूट मिल ओनर्स हैव बीन सेइंग दैट दे हैव टू बाय रॉ जूट एट ₹7,200 पर क्विंटल. ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो प्राइस हम बना के जो प्रोसेस करके भेज रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो कुछ करिए. ठीक है, तो हाईकोर्ट के पास पहुंची इनकी एसोसिएशन, जो जूट वाले जो लोग हैं. ठीक है ना, द कैलकटा हाईकोर्ट डायरेक्टेड द जूट कमीशन टू रिव्यू एंड रीफिक्स द रेट ऑफ रॉ जूट इफ द नोटिफाइड रेट कैन नॉट बी एडहर्ड टू. द जूट कमीशन इज डायरेक्टेड टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स, बट डिस्पाइट ऑल एफर्ट इफ इट अपियर्स दैट द नोटिफाइड रेट कैन नॉट बी एडहर्ड टू, देन द जूट कमिश्नर शैल रिव्यू एंड रीफिक्स द रेट. वो कहते हैं या तो जो इशूज़ हैं उनको फिक्स करो, बट अगर रेट्स नहीं, मतलब कुछ नहीं हो पाता, तो आपको रेट्स जो है वो रीफिक्स करने पड़ेंगे. ये जूट वाला इशू कहाँ का है? कैलकटा का है. ठीक है, वेस्ट बंगाल का है. ये आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है. ठीक है, ओके. तो एक चेन्नई तमिलनाडु में क्लिनिक खुला है, डी एडिक्शन क्लिनिक, गवर्नमेंट उमंदसूर मेडिकल कॉलेज में. उसमें कहा जा रहा है कि 65%, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े हैं जो एडिक्टेड हैं. तो इसमें अभी नोट करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई सर्वे या ऐसे नहीं करा, वैसे ही न्यूज़ शेयर करी हुई है. उसके बाद यहाँ पर हमारी बात हो रही है, एडिटोरियल्स पे आ गए हम. ठीक है, एडिटोरियल्स में आ गए. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, आज WHO वाली रिपोर्ट पे हमारे दो एडिटोरियल्स हैं. और ठीक है, इसके अंदर WHO का जो रिपोर्ट है, ठीक है ना, उसकी साइड ली जा रही है. उसमें कहा जा रहा है कि जो उन्होंने किया है वो ठीक है. ठीक है ना, जो भी उन्होंने किया है, एक मिनट. हाँ जी, तो हाउ मेनी पीपल. तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि मतलब जो WHO की रिपोर्ट है वो आप कहाँ तक गलत साबित कर लोगे. तो हमें जो याद रखना है ना, हमें ये याद रखना है कि कितना उन्होंने, तो रिपोर्ट किस चीज़ पे थी, पहले तो ये बता दूँ आपको जो नए बच्चे हैं. तो जो रिपोर्ट थी उसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि कितने लोग कोविड की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू कोविड, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि अराउंड 47 लाख, मतलब 4.7 मिलियन लोगों की डेथ हुई है. 4.7 मिलियन लोगों की डेथ हुई है. और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ऐसा नहीं है, इन लोगों ने जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करी है वो गलत है. ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं. ठीक है ना, तो अब ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए. द लेटेस्ट रिस्पॉन्स इज वेल, इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स. ठीक है ना, उसके बाद कहा जा रहा है, अब यहाँ पे जो इनकी ओपिनियन है वो कह रहे हैं कि देखो कि जो डाटा है, ठीक है ना कहीं इंडिया का बहुत बुरा हाल था. क्लियर पिक्चर एमर्जेस, देयर वॉज अ ग्रेजुअल सर्ज इन डेथ्स ड्यूरिंग द हाफ ऑफ 2020 विच सबसाइडेड एंड वॉज फॉलोड बाय सुनामी ऑफ डेथ्स.
during April-June 2021. The government sample registration system told us to expect around 1.5 million deaths in Uttar Pradesh every year. तो वो कहते हैं 2020 में जो डेथ थी वो कम हुई, ऐसे कैसे कम हो गई, ठीक है. तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो सही नहीं है. यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इतना ही लोगों की डेथ हुई है, ठीक है ना. वो कहते हैं बहुत ट्रबलिंग क्या है, ये अगेन ओपिनियन है, कि इंडिया स्टैंड आउट इज़ द रिलेंटलेस गवर्नमेंट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एवरी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पैंडमिक, ठीक है. तो ये क्रिटिसिज्म किया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ही को अपनी गलती जो है वो मान लेनी चाहिए, ठीक है. अब ये है सेडिशन के ऊपर, इन्होंने बताया सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी विच क्रिमिनलाइजेस एनी स्पीच राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन दैट एक्साइट्स डिस अफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना. जो हेट्रेड मतलब जो दंगे करवा दे ऐसा सा कुछ हो, या हेट्रेड इतना कुछ गलत गलत बोल दिया कि कुछ हो जाए, राइट्स हो जाए, ऐसा कुछ. द होप एंड द एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ओन सबमिशन. अब देखिए ये ऐसा क्यों किया, कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक्सप्रेस किया था कि इसका इस लॉ का मिसयूज हो रहा है. क्या एक्सप्रेस किया था कि इस लॉ का जो है वो मिसयूज हो रहा है. द कोर्ट हैड अपहेल्ड द सेक्शन ओनली बाय रीडिंग इट्स ओन डाउन इट टू मीन दैट इट इज एप्लीकेबल ओन टैक्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी, ठीक है ये सब. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिकंसिडर होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे जो थर्ड हमारा एडिटोरियल है आज का, उसके अंदर रिप्रोडक्शन लॉज की बात करी गई है. तो रिप्रोडक्शन लॉज सॉरी अबॉर्शन नॉट रिप्रोडक्शन अबॉर्शन लॉज की बात करी गई. तो अबॉर्शन लॉज की बात कहाँ से आ रही है, तो अबॉर्शन लॉज की बात यहाँ से आ रही है कि हमने पढ़ा था ना कि अमेरिका के अंदर अबॉर्शन लॉज के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा है, बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है ना. तो जल्दी से चार सेक्शन में मुझे बता दो वो कौन सी जजमेंट है जो हम बार बार अमेरिका की डिस्कस कर रहे हैं. तो वो कह रही है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्कस अबॉर्शन लॉज दैट आर देयर इन इंडिया, और हमें भी पता होना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं जो यूएस का ना पूछें कहीं वो इंडिया का पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर है. तो वो कहते हैं कि तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज एक बार पढ़ लिया तो हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. देखिए अंडर द जनरल क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री द इंडियन पीनल कोड वॉलंट्री कॉजिंग अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी इज एन ऑफेंस, ठीक है ना. अगर कोई वॉलंट्री मतलब अगर कोई जान पूछ कर मिसकैरेज की करता है तो वो क्या है, ऑफेंस है और जेल टर्म है 3 years की, ठीक है ना. अनलेस इट इज़ डन इन गुड फेथ वेयर द पर्पज वॉज टू सेव द प्रेगनेंट वुमेन लाइफ ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन, ठीक है. अगर अबॉर्शन किया जाता है टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन वहाँ तक ठीक है, बट अगर कुछ और इंटेंशन है तो सही नहीं है. अ प्रेगनेंट वुमेन कॉजिंग हरसेल्फ टू मिसकैरी इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक है. अगर वो खुद भी मिसकैरी करती है तब भी, मतलब अगर वो खुद भी अबॉर्शन करवाती है बेवजह, तो इट इज़ एन ऑफेंस. इन 1971 आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि 1971 में क्या आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, दैट इज MTP एक्ट, ठीक है. नाउ वॉज इनएक्टेड दिस लॉ इज एन एक्सेप्शन टू द IPC प्रोविजंस अबव सेट आउट. तो ये ऊपर हमने IPC मतलब इंडियन पीनल कोड जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसकी बात कर रहे थे. तो जो ये MTP आया ये एक्सेप्शन था, ठीक है. वो क्या कहता है, सेट आउट रूल्स व्हेन हू वेयर व्हाई एंड बाय हूम फॉर असेसिंग MTP, कि कौन अबॉर्शन कर सकता है, किन सर्कमस्टांसिस में आप अबॉर्शन करवा सकते हो, कौन इसको कर सकता है, ये क्लैरिटी दी हमें MTP एक्ट ने. दिस लॉ हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस सिंस द मोस्ट रीसेंट सेट ऑफ इंडिया बींग इन द ईयर 2021. तो 2021 में इस लॉ को अमेंड भी किया गया, ठीक है ना. एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द लॉ, हाउएवर द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एंड और एक्नॉलेज द राइट ऑफ प्रेगनेंट पर्सन टू डिसाइड ऑन द डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ प्रेगनेंसी. तो वो कहते हैं कि जो लॉ है वो अभी भी वुमेन को राइट नहीं देता ये डिसाइड करने की कि वो प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यू करना चाहती है या शी डजेंट वॉन्ट टू डू, शी वॉन्ट्स टू डिसकॉन्टिन्यू द प्रेगनेंसी. तो ये राइट अभी भी इंडियन वुमेन के पास भी नहीं है, ठीक है ना. तो उसके बाद द लॉ प्रोवाइड्स फॉर अ सेट ऑफ रीजंस बेस्ड ऑन विच एन MTP कैन बी असेस्ड. तो वो कौन सी कब कब है जब अबॉर्शन करवा सकते हैं, जब वुमेन की लाइफ यू नो रिस्क पर है, ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल या मेंटल, एक्सप्लेन दैट इफ द प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय अ प्रेगनेंट वुमेन, हर पार्टनर और हर पार्टनर टू द लिमिट the number of children ought to prevent a pregnancy, the anguish caused by the continuous of pregnancy would be considered to be a grave injury on her mental health. तो कुछ reasons हैं इसके अंडर fall करना चाहिए, या फिर child जो है बोला जा रहा है कि would suffer from serious physical or mental abnormality, maybe वो disabled पैदा हो रहा होगा ऐसा दिख रहा है scans के अंदर. The existence
द एग्जिस्टेंस ऑफ वन ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस एटलीस्ट अलॉन्ग विद द मेडिकल ओपिनियन. तो बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में मेडिकल ओपिनियन भी चाहिए होती है, ठीक है ना. तो वो कहते हैं और क्या लिमिटेशन है कि अगर आपको मेडिकल प्रोटेक्शन अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ओपिनियन ऑफ अ सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होता है कि जो कहे 20 वीक्स तक कि जो कहे कि हाँ वन ऑफ द रीजंस में फॉल करें तो लेट हर अबॉर्ट. फ्रॉम 22-24 दो रजिस्टर्ड का चाहिए होता है, ठीक है ना. दिस एक्सटेंडेड जेस्टेशन लिमिट इज एप्लीकेबल टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन. तो वो कहते हैं कि तो अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड जो है जेस्टेशन का, ठीक है ना, वो किसको एप्लीकेबल होता है, ये सर्टेन पीरियड्स में ही एप्लीकेबल होता है. वो कब होता है, सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और रेप इंसेस्ट होता है जब घर का ही कोई पर्सन किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहा हो, ठीक है ना. माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, इधर विडोहुड और डाइवोर्स. तो ऐसा सा कुछ रीजन है तब वो करते हैं. मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली इल वुमेन, तब वो कंसिडर करते हैं. एनी डिसीजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 जेस्टेशन एज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो ये 22-24 के अंदर भी इतना ईजी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं. आफ्टर 24 के अंदर, तो 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर तो कब होगी, फीटल एबनॉर्मलिटी कैन बी टेकन बाय अ मेडिकल बोर्ड, ठीक है ना. अगर ऑन ग्राउंड ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी कि जो बच्चा है वो एबनॉर्मल पैदा होगा, और उसके लिए भी स्टेट्स जो है वो मेडिकल बोर्ड बिठाती हैं, ठीक है ना. अब इसके अंदर मतलब इंडिया के अंदर भी ये सिचुएशन है. The law as an exception to all that is stated above also provides that where it immediately it is necessary to save the life of the pregnant woman, the pregnancy can be terminated at any time by a single registered medical practitioner. ठीक है, जहाँ पे वुमेन की लाइफ बचाने की बात आती है तो वहाँ पे ये मेडिकल काउंसिल्स ये सब कुछ सबको वो कर वो क्या कर सकते हैं, एमरजेंसी के अंदर जो है वो अबॉर्शन कर सकते हैं. ओके, चलिए. वाइल इंडिया लीगलाइज एसेस टू अबॉर्शन सर्टेन सर्कमस्टांसिस मच मोर बिफोर द वर्ल्ड डेट, वी डिसाइडेड टू रिमेन इन द लॉजिक ऑफ, वो कहते हैं कि 2021 के अंदर कोई अच्छा हमने अमेंडमेंट नहीं किया, जबकि अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, ठीक है ना. वो कहते हैं जब कोविड आया तो 500 केसेस पेंडिंग थे. तो उसके बाद वो बात करते हैं पुट्टास्वामी जजमेंट की, कि राइट टू प्रिवेसी के अंदर इस जजमेंट में, पुट्टास्वामी जजमेंट में बात करी गई थी दैट अ वुमन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच इट हैज़ हेल्ड दैट द डिसीजन मेकिंग बाय अ प्रेगनेंट पर्सन ऑन वेदर टू कंटिन्यू अ प्रेगनेंसी और नॉट इज पार्ट ऑफ सच अ पर्सन राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना. तो ये हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ इसमें बात किया हुआ है. ओके, चलो आगे चलते हैं. हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ समझाई हुई है, एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है. तो वो कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं. एक तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं जो ही टर्म्स द पावरफुल एंड फैशनेबल फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन एज शैलो इकोलॉजिज्म. इकोलॉजिज्म या इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस फिलोसफी बिलीव इन कॉन्टिन्यूइंग आर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल बट विद स्पेसिफिक ट्वीक्स एम टू मिनिमाइजिंग द डैमेज. तो वो कहते हैं कि ये फैशनेबल जो फाइट होती है उसके अंदर वो कहते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं ठीक है, बस थोड़ा बहुत ट्वीक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने रहने सहने में, अपने लाइफ स्टाइल में, ठीक है ना. वो कहते हैं जो डीप इकोलॉजिज्म होता है एस्पायर्स टू सस्टेन नेचर बाय मेकिंग लार्ज स्केल चेंजेस टू लाइफ. तो जो ये इस चीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक डीप इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस लेकर आते हैं सो दैट वो इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. यहाँ पे एडवोकेट कलीश्वरम राज हु रिप्रेजेंट सीनियर जर्नलिस्ट शशि कुमार इन द केस वो बात कर रहे हैं. तो ये हमें पता है कि 13,000 केसेस पर्सन आर जेल अंडर सेक्शन 124A. तो ये हमने नोट कर ही लिया होगा अभी तक, ठीक है. उसके बाद एक्सपीडियस बेल हियरिंग फॉर पीपल हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ द अब्यूज ऑफ द सेडिशन लॉ बाय लोकल पुलिस एंड अथॉरिटी. अब उनकी बेल्स लगेंगी, ठीक है, उसमें फिर डिसीजन होगा. ऐसी पुट्स कलोनियल लॉ. अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन थे जिन्होंने ये जजमेंट दी. एनवी रमना, ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, प्लस जस्टिस सूर्यकांत, प्लस जस्टिस हिमा कोहली, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, कोई हो सकता है वो सब कुछ बता दे और फिर के बताओ किसने दी थी जजमेंट, बताओ. और तुम कहोगे मुझे ये पता है कि ये लॉ स्टे कर दिया बट ये नहीं पता किसने जजमेंट दी, तो फंस जाओगे ना. तो फंसना तो है ही नहीं. कोर्ट टू डिसाइड ऑन सर्वे इनसाइड ज्ञानवप्पी मॉस्क. तो ज्ञानवप्पी मॉस्क का इशू मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कर दिया है ऑलरेडी, पर शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले टेम्पल था, ठीक है ना. शक है, ऐसा बोला जा रहा है.
अब क्या है कि वहां पे बोला गया है कि किसी तो ये पढ़ लेते हैं कि किसी ने पिटिशन फाइल किया कि हमें वहां पे प्रेयर करना जो है वो अलाउ किया जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए कोर्ट ने बोल अब कमिश्नर अपॉइंट किया कि वहां पे देख कर आओ कि वहां पे क्या है मंदिर। ऐसा लग रहा है कि पहले वहां पे कभी मंदिर होता था। तो ये सारी स्टोरी है तो पढ़ लेते हैं। अ लोकल कोर्ट इन वाराणसी ऑन May 12 इज एक्सपेक्टेड टू डिसाइड इफ एन एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंटेड बाय इट टू वीडियोग्राफ अ हिंदू साइट आउटसाइड द वॉल ऑफ ज्ञानवापी मस्जिद वुड बी अलाउड टू एंटर द तहखाना सेलर ऑफ द मॉस फॉर इंस्पेक्शन। द कोर्ट वुड ऑल्सो डिसाइड इफ द एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवोकेट कमिश्नर है कौन, अजय कुमार मिश्रा, ठीक है ना। तो क्या होता है कोर्ट कमिश्नर कौन होता है, एडवोकेट कमिश्नर कौन होता है, कि वो एक एडवोकेट है और उनको अपॉइंट किया जाता है कि आप जाके वहाँ पे देख कर आइए, बिकॉज हर जगह जजेस नहीं जा सकते, तो ये लोग जाते हैं। वुड बी रिप्लेस आफ्टर, ठीक है ना। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कमिश्नर है ये बाइस्ड है, मतलब ये हिंदूज की तरफ झुके हुए हैं। द वीडियो इंस्पेक्शन वॉज हॉल्टेड ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द मॉस्क कमिटी ऑब्जेक्टेड टू द डिमांड बाय द हिंदू प्लेंटिफ दैट द एडवोकेट कमिश्नर बी अलाउड इन साइड द मॉस्क एंड इट्स सेलर। तो कहते हैं कि हम मॉस्क के अंदर नहीं घुसने देंगे, ठीक है ना। अब ये क्यों, ये पिटिशन किसने फाइल किया। अ सिविल जज हैड अपॉइंटेड द कोर्ट कमिश्नर आफ्टर 5 वुमेन प्लेंटिफ लिंक टू अ राइट विंग ग्रुप विश्व वैदिक सनातन संघ। तो ये इंपॉर्टेंट है किसने ये केस फाइल किया, विश्व वैदिक सनातन संघ, ठीक है ना। तो इन्होंने केस फाइल किया है कि हैव डेली दर्शन पूजा ऑफ माँ श्रृंगार गौरी टेम्पल। तो यहाँ पे कह रहे हैं माँ श्रृंगार गौरी का टेम्पल था, ठीक है ना। एंड अदर विजिबल एंड इनविजिबल डाइटीज विद इन द ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड एट सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 इन दशमेधा एरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दे हैड ऑल्सो डिमांडेड दैट एन एडवोकेट कमिश्नर कंडक्ट अ लोकल इंस्पेक्शन ऑफ द साइट एंड असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ डाइटीज एट द प्लॉट। वाइल द कोर्ट ऑर्डर डिड नॉट स्पेसिफिकली स्टेट इफ द इंस्पेक्शन वुड कंक्लूड इंक्लूड वीडियोग्राफी। तो उन्होंने बोला कि आप देखो भी वहाँ पे माँ की जो फोटोग्राफ है वो होगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये इशू चल रहा है ना। ऐसी प्लान स्लैम्स गवर्नमेंट केस इन पर्यावरण। ये जो राजीव गांधी का असैसिनेशन वाला केस है वॉज सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। अच्छा यहाँ पे मैंने डेथ सेंटेंस बोल दिया था, लाइफ सेंटेंस हुई है, डेथ सेंटेंस नहीं हुई है, ठीक है ना। लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर, ठीक है। तो उसके लिए लाइफ सेंटेंस के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। आस्किंग द सेंटर वॉज रिप्रेजेंटिंग। तो यहाँ पर लोकल स्टैंडाई, लोकल स्टैंडाई क्या होता है, हर कोई किसी भी केस का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहते हैं कि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिप्रेजेंट करिए, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का तो अलग रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और प्लीज़ दोबारा नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे पेरिवलियन जो है इनको लाइफ सेंटेंस मिली है फॉर मर्डर, ठीक है ना, जो असैसिनेशन हुआ राजीव गांधी का। ओके पहले मैंने गलत बोल दिया था। अब यहाँ पर सेंटर्स कंसर्न ऑन मैरिटल रेप। तो मैरिटल रेप जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है ना। तो उनका कंसर्न क्या, कंसर्न दैट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप में डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इज अ लेजिटिमेट वन एंड डूइंग सो मे रिक्वायर स्पाउसेस टू ड्रॉप डिटेल्ड अग्रीमेंट बिफोर सेक्स और इनवाइट अ थर्ड पार्टी टू एक्ट एज विटनेस। तो वो कहते हैं बेसिकली क्यों नहीं लेकर आ रहे मैरिटल रेप का वो, बिकॉज अगर आप इन प्रैक्टिस देखो, इन प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी कोई वुमेन वाइफ अपने हस्बैंड पे केस करती है तो वो डाइवोर्स का केस तो करती करती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करती है, वो हर डाउरी का भी केस करती हैं, वो हर चीज़ का करती है। तो अब रेप, अगर रेप को लीगलाइज, मैरिटल रेप को कर दिया जाएगा, तो वो कहते हैं कि सच केसेस तो कम होंगे, झूठ ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। एंड जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होगी। तो उन्होंने बोला कि एट वर्स्ट इट कैन बी ट्रीटेड एज सेक्सुअल अब्यूज एज अ क्लियर अपॉन प्रिंसिपल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी फाउंड इन। वो कहते हैं जो सेक्शन 3 में क्रुएल्टी डिफाइन किया गया है उसके अंदर इंक्लूड होता है सेक्सुअल, वो कहता है इंक्लूड फिजिकल सेक्सुअल वर्बल इमोशनल अब्यूज। तो हमें पता होना चाहिए सेक्शन 3 जो DV एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है 2005, वो क्या बात करता है, सेक्शन 3 क्रुएल्टी के बारे में बात करता है। और जो क्रुएलिटी की डेफिनेशन है वहाँ पे वो क्या कहती है, इंक्लूड्स फिजिकल सेक्सुअल वर्बल इमोशनल अब्यूज, ठीक है ना। तो वो जो जज हुए हरी शंकर ये हैं जो इन्होंने कहा है कि इट शुड नॉट बी अ मैरिटल रेप शुड नॉट बी एन ऑफेंस, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई है। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो है वो लुम्बिनी विजिट करने वाले हैं, जो बर्थ प्लेस है, विजिट लॉर्ड बुद्धास बर्थ प्लेस लुम्बिनी इज करंटली बींग प्लान्ड, ठीक है ना। तो यस, उसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट बीइंग पार्ट ऑफ द फोकस ऑन लुम्बिनी हैज़ बीन पार्ट ऑफ विजन ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच हैज़ प्रेजेंटेड इंडिया एज अ लैंड ऑफ बुद्धा। द बुद्धिस्ट सर्किट एंड इंडिया सॉफ्ट पावर रिगार्डिंग बुद्धिज्म एक्वायर सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग द डायनेमिक सिचुएशन इन बुद्धिज्म डोमिनेटेड रीजन्स
इन साउथ ईस्ट एशिया एंड तिब्बत डाटा पार्ट ऑफ इंडियाज कोर स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स. तो बुद्धिस्ट सर्किट क्या है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे. बुद्धिस्ट सर्किट इज अ रूट दैट फॉलोज इन द फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम लुम्बिनी इन नेपाल वेयर ही वॉज बॉर्न थ्रू बिहार इन इंडिया वेयर ही अटेंड इनलाइनमेंट. तो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी बट वेयर बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट, ही अटेंड इनलाइटनमेंट इन बिहार, ठीक है ना, टू सारनाथ एंड खुशीनगर इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया वेयर ही गेव हिज फर्स्ट टीचिंग एंड हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस. तो ये है बुद्धिस्ट सर्कल, मतलब वो रास्ता जहाँ से वो आए और यहाँ पर इंडिया में आए, ठीक है ना, एंड फाइनली यहीं पर रह गए, ठीक है ना. बुक एक्सप्लोरिंग मोदीज जर्नी ओवर टू डेकेड लॉन्ग, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बुक का नाम क्या है, मोदी एट 20 ड्रीम्स मेट डिलीवरी. प्लीज़ ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे, मोदी एट 20 ड्रीम्स मेट रियलिटी, ठीक है ना. आपकी बुक किस बात में है, कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन मिस्टर मोदी ऑन हिज कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ हेल्पिंग गवर्नमेंट फर्स्ट एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड लेटर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पूरा का पूरा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन अ 3-line मंत्रा, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म एंड ही इज लिविंग अप टू इट. क्या है 3-line मंत्रा, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये भी नोट कर लो यार, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद बेल पे छोड़ो, जो भी आया वो देख लेंगे, ठीक है ना. प्रोब एजेंसी नेम्स उम्मीदवार नेटवर्क प्रोमोटर्स इन FIR. अब ये पढ़ने वाली बात है, ईयर आफ्टर US बेस्ड फिलानथ्रोपिस्ट, मतलब फिलानथ्रोपिक मतलब जो लोगों का भला करने के NGO टाइप्स जो होते हैं फिलानथ्रोपिस्ट, ठीक है ना. तो ईयर आफ्टर US बेस्ड फिलानथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट फर्म उम्मीदवार नेटवर्क वॉज प्लेस्ड ऑन अ वॉच लिस्ट बाय यूनियन होम मिनिस्टर. तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवार जो नेटवर्क, जो एक फिलानथ्रोपिस्ट फर्म है उम्मीदवार नेटवर्क, ठीक है, आप इसका नाम नोट कर लीजिए, क्या किया था एक साल पहले, वॉज प्लेस अंडर वॉच लिस्ट, वॉज प्लेस्ड अंडर वॉच लिस्ट बाय हुम, बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना. रिस्ट्रिक्टिंग ऑल फॉरेन डोनेशंस फ्रॉम द फर्म, द सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस नेम्ड द प्रमोटर्स ऑफ NGO उम्मीदवार. तो क्या हुआ था कि जितने भी रिस्ट्रिक्टेड ऑल द फॉरेन डोनेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, तो CBI नेम्ड द प्रमोटर्स ऑफ NGO उम्मीदवार. देखो ओम ई दया, ओमी यार थोड़ी दया दिखा दो यार, ओमी दया दिखा दो यार, ठीक है ना. इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट द केस प्रिटेंस टू अलेज कनाइवेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट कंसल्टेंट्स इन फैसिलिटेटिंग इलीगल क्लियरेंसेस टू NGOs अंडर. तो FCRA क्या है, देखो FCRA के अंदर अगर आपको आपके NGO है, ठीक है ना, और आपको बाहर से फंड्स चाहिए, तो FCRA कुछ गाइडलाइन सेट करता है, बिकॉज जो फॉरन से फंड्स आते हैं उसको देखना पड़ता है कि कहीं वो टेररिज्म में तो नहीं कोई कर रहा, कि यहाँ पर कोई लोग बिठाया हुआ है और उनको पैसे पहुँच रहे हैं और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इंडिया में, या कुछ भी, या कुछ इलीगल काम तो नहीं हो रहा है इंडिया में. तो फॉरन जो फंड्स होते हैं उस पर नज़र रखने के लिए FCRA के अंदर जो NGOs को फॉरन फंडिंग आती है, वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंक है दिल्ली में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वो, वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और जो आपकी जितनी भी फॉरन वो आ रही है, इनकम आ रही है, फंडिंग आ रही है आपको, वो उसी अकाउंट में आएगी, ताकि हम चेक रख सकें, ठीक है ना. तो उससे द लिस्ट ऑफ अक्यूज, तो उसको अप्रूवल के लिए वो कहते हैं कि मिलकर मिनिस्ट्री के लोग और ये NGO अप्रूवल्स दे रहे थे दूसरे NGOs को. अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट इट इज़ मैंडेटरी फॉर NGOs टू गेट क्लियरेंस. तो इसके अंदर इनको भी क्लियरेंस मिली थी, तो इन लोगों को अपने 10 lakh ट्रांसफ़र कर, नहीं, इनको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे, तो उन्होंने बोला कि हम 10% लेंगे. यस, यहाँ पे इनको 3 crore डोनेशन चाहिए थी, NGO उम्मीदवार को आनी थी, और मिनिस्टर तो ऑफिशियल ने 5 lakh की डोनेशन ली एंड उनको जो था वो क्लियर कर दिया, ठीक है ना. तो ये इसमें नाम आ रहा है, तो NGO उम्मीदवार का नाम याद रखने, ठीक है ना. उसके बाद ये पढ़ लेते हैं, NGO वर्ड ओवर राइज इन जेंडर बेस्ड वायलेंस. दोबारा से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो वायलेंस हो रहा है, इट इज़ वरिंग दैट 98% ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वाइवर डू नॉट असेस हेल्थ केयर, दो सच एक्सपीरियंसेस मे हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसी सेड इन अ स्टेटमेंट. तो वहाँ पे कह रहे हैं कि 98% जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होते हैं उसके अंदर वो हेल्थ नहीं लेते हैं, तो वो मेंटल हेल्थ और इन सबको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है. अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अल जजीरा जर्नलिस्ट शॉट डेड ड्यूरिंग इजराइल्स वेस्ट बैंक रेड. तो ये पढ़ लेते हैं, सबसे पहले तो जर्नलिस्ट का नाम शिरिन अबू अखले, देखो यहाँ पे ले का नाम आ रहा है, ले लद्दाख, ठीक है ना,
अकेले अकेले ले लद्दाख चले गए अब्बू और शिरेन, ठीक है ना। शिरेन अब्बू अकेले कहाँ चले गए, ले लद्दाख, ठीक है। तो शी हैज़ डाइड विच इज सैड। अ फीमेल जर्नलिस्ट ऑफ अल जजीरा वॉज शॉट एंड किल्ड वाइल कवरिंग एन इसराइली रेड इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक टाउन ऑफ जेनिन अर्ली ऑन वेनसडे। द ब्रॉडकास्टर एंड अ रिपोर्टर हु वॉज वूंडेड इन द इंसिडेंट ब्लेम्ड इसराइली फोर्सेज, वाइल इसराइल क्लेम देयर वॉज एविडेंस द टू वर हिट बाई पैलेस्टाइनियन गनफायर। तो इसराइल कह रहे हैं देखो हमने नहीं मारा तुम्हारी जर्नलिस्ट को, ये पैलेस्टाइनियंस का काम है। तो हमें क्या याद रखना है इनका नाम कि ये अल जजीरा की जर्नलिस्ट है, ठीक है ना। थी एज वेल नोन पैलेस्टाइनियन रिपोर्टर ऑफ द ब्रॉडकास्टर अरेबिक लैंग्वेज चैनल हु इज ऑल्सो यू एस सिटीजन वॉज शॉट एंड डाइड सून। तो ये पैलेस्टाइनियन रिपोर्टर थी, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टर थी, अरेबिक लैंग्वेज चैनल जो है अलजीरा वहाँ पर थी, और ये यूएस सिटीजन थी। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ पे मैंने ओवर मार्किंग कर दी है, ये पूरा का पूरा का नोट कर लो। शी हैज़ डाइड। अली समोदू अनदर पैलेस्टाइनियन जर्नलिस्ट ही इज़ इन द हॉस्पिटल। द कतर बेस्ड नेटवर्क इंटरप्टेड इट्स ब्रॉडकास्ट टू अनाउंस हर डेथ। तो इनका नाम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। UK to defend Sweden if it comes under attack. Now this is a very very important question. Paper में आ सकता है। British Prime Minister Boris Johnson on Wednesday said he had agreed new deals with Sweden and Finland to bolster European security, pledging to support both nations' armed forces should they come. अगर Sweden और Finland पे कोई अटैक करता है, Sweden और Finland पे कोई अटैक करता है तो उसको कौन सेव करेगा? UK की forces. ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि सून देयर इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड अग्रीमेंट, ऐसा सा कुछ होगा, कमिटमेंट होगा, ठीक है ना। और ये रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ फोर्स्ड अ रीथिंक ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। और यही दो कंट्रीज हैं जो सोच रही हैं कि हम नाटो की मेम्बरशिप ले लें, ठीक है ना। तो ये है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान कोर्ट ask intelligence not to arrest journalists. So a court in Islamabad ordered a key Pakistani intelligence agency not to arrest a prominent anchor person who is accused of spreading fake news and hate content on social media against the military. ठीक है ना, मिलिट्री के अगेंस्ट हेट कंटेंट कर रही है। कौन है वो जर्नलिस्ट? सभी अब्राहिम इज करंटली इन यूएस ऑन पर्सनल विजिट। तो ये भी नोट कर लीजिए कौन सी जर्नलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है, चलिए अब ये पढ़ लेते हैं। आयरलैंड इशू, आयरलैंड वॉन्ट्स यूके अगेंस्ट थ्रेट्स टू ब्रेग्जिट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो आयरलैंड और यूक्रेन, आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है? तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो है ना, कि अब ब्रेग्जिट क्या है सबसे पहले, तो कि जो यूरोपियन यूनियन, जो यूके था वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, अब नहीं है। यूके इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो क्या है कि जब यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे, मान लीजिए ये सारा पार्ट जो है यूरोपियन यूनियन का है, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, बट यहाँ पे जो ट्रेड हो रही थी कोई भी कहीं पे भी खाने पीने की चीज़ें बिना चेक के जा रही थी, बट अब यूके इज़ नो मोर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो यूके ने नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ, ठीक है ना, एक पैक्ट प्रोटोकॉल साइन करी। द करंट ट्रेड अरेंजमेंट नीड्स मोर चेक्स ऑन गुड्स एंटरिंग नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम मेनलैंड ब्रिटेन। तो क्या है कि अब जो ब्रिटेन से गुड्स एंटर करेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड में ना, उस पर चेक्स होंगे। तो इससे क्या इफेक्ट हो रहा है? ट्रेड पे इफेक्ट करेगा। एंड जो लोग बहुत सारी ये भी कह रहे हैं जो नॉर्दर्न आयरलैंड में रह रहे हैं, कि कभी ना कभी जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो इंग्लैंड का पार्ट, मतलब वो यूके का पार्ट बनेगा, तो उनको अलग सा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस वजह से ईयू के पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के, ना कि यूके के पार्ट है, ठीक है ना। तो ये इनका मतलब कलेश है, ठीक है। आयरलैंड फॉरेन मिनिस्टर ऑन वेनसडे सेड द यूके रिस्क्ड अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ इफ इट स्क्रैप्स द ट्रेड रूल्स इट साइन विद द ईयू फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड। साइमन कोवेने सेड यूके'स थ्रेट टू पुल आउट ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल हैज कॉज्ड कंस्ट्रेंड नेशन इन ब्रूसेल्स एज ही मेट लीडर्स। तो इसके ऊपर बातचीत हो रही है। द प्रोटोकॉल वाज साइन सेपरेटली फ्रॉम ब्रेग्जिट ट्रेड डील बिटवीन यूके एंड ईयू बिकॉज नॉर्दर्न आयरलैंड हैज द कंट्रीज ओनली लैंड बॉर्डर विद द ब्लॉक। इट कीप्स द प्रोविंस लार्जली इन द यूरोपियन सिंगल मार्केट एंड कस्टम्स यूनियन बट मैंडेट्स चेक ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम द प्रोविंस टू द प्रोविंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो वो कहते हैं कि चेक्स होंगे, ठीक है ना, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में गुड्स होंगे। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, उस लड़ाई को द ट्रबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द ट्रबल्स। ऐसा नहीं लग रहा नेटफ्लिक्स का कोई कोई शो का नाम है। प्राइम मिनिस्टर, तो इनका जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की लड़ाई थी वो ख़त्म कैसे हुई थी? गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन किया था 1998 में, ओके। उसके बाद नथिंग रॉन्ग इन चाइना डील सोलोमन।
विद सोलोमन. तो सोलोमन और चाइना का क्या इशू? देखिए, सोलोमन और चाइना ने एक डील साइन करी है, एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है सिक्योरिटी अग्रीमेंट है ये. सिक्योरिटी अग्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट इसको नाम दिया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो चाइना जो अगर वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस मतलब इंटरनल भी कुछ होता है तो चाइना उनकी हेल्प करेगी. इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि जो सोलोमन आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब डरा हुआ है, दुखी है. ठीक है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है, कुछ गलत काम नहीं किया है हमने जो चाइना के साथ डील करी है. सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया उन्होंने, ठीक है ना, मैरीटाइम. उसके बाद और लोग ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने प्रेस कंसर्न शो करे हैं इसके ऊपर. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर हम जो अप्रैल की वीडियो करेंगे जिसके अंदर सारा रिविजन करेंगे दोबारा से, वहाँ पे डिटेल में बात कर लेंगे. ठीक है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेते हैं हम. प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए सबके साथ. ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं. तो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर रुद्रांश पाटिल जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है ना, जूनियर वर्ल्ड कप इन सोल जर्मनी के अंदर हो रहा था ये, एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और ज्योति ब्रेक्स 100 मीटर हर्डल्स नेशनल रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ दिया है, कहाँ पर, साइप्रस के अंदर. ठीक है, ये नोट कर लेना. और जो इस डॉक्यूमेंट का सारा वो है ना, मतलब ये PDF है, ये आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे. टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे है. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. 6 से 7 यहाँ पर होता है लाइव, 1 घंटे के विदिन मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ख़त्म करवा दूँ आपका. जो एक्स्ट्रा होता है वो हम करते हैं एक सेपरेट वीडियो में, जिसका आ जाएगी अप्रैल वाली भी जल्दी. राइट, सो दैट्स इट. लॉगिन साइनिंग ऑफ. एल सी सुपर सून. बाय, टेक केयर.